सब्सक्राइब कीजिए सीखो जानो टेक्निकल चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं सीखो जानो टेक्निकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि MX टकाटक पे बहुत से यूजर पूछ रहे थे कि सर जो MX टकाटक एप्लीकेशन है जो उसका नोटिफिकेशन होता है उसको कैसे डिलीट करें। तो दोस्तों आज हम यही सीखने वाले हैं कि उसका नोटिफिकेशन को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बिना समय गवाया आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना MX टकाटक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद से हम आपको एक बात बताने वाले दोस्तों जो आपको सबसे पहले उसको करना है। सबसे पहले आप क्या करें कि आप अपने जो क्या होता है प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद से आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर में देखिए यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पे इसको हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट योर फेवरेट लैंग्वेज और हिंदी, इसको सेलेक्ट कर लिया, देखिए हो गया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद से अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद से हम आपको यहाँ पर बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए आपको यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाती है। तो आपको क्या करना है, इस पर नोटिफिकेशन अगर आप मतलब डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रोफाइल पे जाना है और प्रोफाइल पे जाने के बाद से अब आपको यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, तो आप देखिए यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देखिए आपको इसमें कई सारा ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल रहा है। तो आपको देखिए फर्स्ट में आपको देखिए यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा, अगर आप पहली बार इसे अपडेट करते हैं तो आपको इस तरह का दिखेगा इंटरफेस। तो आपको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पे लिखा है डाटा सेवर, तो आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने से आपकी मतलब डाटा जो होती है बहुत कम यूज होगी और आप वीडियो भी आराम से दिख पाएंगे, तो उसको कर लेना है। अब यहाँ पर जो हम नोटिफिकेशन डिलीट वाले ऑप्शन मतलब कह रहे थे कि आप कैसे डिलीट कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पुश नोटिफिकेशन। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हम आपसे ये बता दें कि अभी डिलीट करने की जो ऑप्शन होती है नोटिफिकेशन डिलीट करने की, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट आप नोटिफिकेशन को रोक जरूर सकते हैं। कैसे रोकना है हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखिए अभी कल ही का इसका अपडेट आया है दोस्तों, इसमें आप कोई भी नोटिफिकेशन हो आप रोक सकते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू फॉलोअर्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारे अकाउंट पे कोई फॉलोअर्स ना आए तो आप यहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि आए तो इसे इनेबल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइक का भी है, अगर लाइक चाहते हैं हमारे मतलब वीडियो पे लाइक आए तो इसे इनेबल रखें, अगर नहीं चाहते हैं तो इसे डिसेबल कर दें। यहाँ पे लाइक इन कमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कमेंट हैं उस पर कोई लाइक करे तो यहाँ से इनेबल रहने दें, अगर नहीं चाहते हैं कि उसके कमेंट पे कोई लाइक करे तो यहाँ से उसे डिसेबल कर दें। और यहाँ पे देखिए कमेंट को अगर चाहते हैं कोई आपको कमेंट करे तो आप इसे इनेबल रहने दें, अगर नहीं चाहते हैं कि आपके कोई कमेंट करे तो इसे डिसेबल कर दें। और रिप्लाई ऑन कमेंट, अगर आप चाहते हैं तो इसे इनेबल रखें या डिसेबल कर दें। और यहाँ पर बहुत सारी देखिए वीडियो फ्रॉम अकाउंट योर फॉलोअर, तो आप यहाँ पे इसे भी चाहते हैं इनेबल रखना तो इनेबल रख सकते हैं, अगर चाहते हैं डिसेबल तो डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस जो पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन है दोस्तों यूज करके आप नोटिफिकेशन को रोक जरूर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही डिलीट करने का मतलब ऑप्शन आ जाता है तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस ट्रिक को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।